नमस्कार दर्शक बंधु, आप समस्त ओडिशा तंत्र ज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे श्री विद्या विषय में कहवाक जाऊँगी। मुझे भाविथिली कि श्री विद्या विषय में केवे वीडियो बनेबिनी, किंतु गुरु आदेश गुरु इच्छा सर्वोपरि। तबे मुझे अनेक थर चैनल रे श्री विद्या संपर्क केवल हिंट्स देछि, किंतु एठारु श्री विद्या संपर्क गोटे कोर्स टाइप रो फ्री रे एई चैनल रे अपलोड हबो। एई चैनल रे श्री विद्या संपर्क गोटे प्लेलिस्ट रहिबो स्वतंत्र। ओडिशार ओडिया आध्यात्मिक चैनल जेते सब अछंती बोध हुए केही केबे श्री विद्या संपर्क रे कहि नथिबे। हेले ओडिशा तंत्र ज्ञान बोध हुए प्रथम चैनल हेबो जेउठारे श्री विद्या संपर्क रे गुढ़ रहस्य सब अपलोड हबो। तेबे चलंतु आज श्री विद्या संपर्क रे प्रथम वीडियो रे जणैबी आपनकु कि वास्तव रे श्री विद्याटा कोण। श्री अर्थात ऐश्वर्य, ऐश्वर्य प्राप्तिर विद्या को ही श्री विद्या कहती। ऐश्वर्यर स्वरूप तीन भाग में विभक्त, प्रथम तामसिक ऐश्वर्य, द्वितीय राजसिक ऐश्वर्य एवं शेष होची सात्विक ऐश्वर्य। तामसिक ऐश्वर्य कौन? मोर सब जिनस मुँ ने गाड़ी घोड़ा बैंक बालान्स जश कीर्ति प्रशंसा सब केवल मत ही मिलू, परिणाम जहाँ होना कहीं किंतु वर्तमान ही मु भोग करी सुख आई विभिन्न साधना करी कहुए तामसिक ऐश्वर्य। तामसिक ऐश्वर्य सबकि व्यक्ति को प्राप्त हो जाए ता तुरंत प्राप्त हुए, किंतु से परिपूर्ण हो पारे बेसी दिन रहे, व्यक्ति को आनंद प्रदान करें सुख प्राप्ति करें, जदिओ प्राप्त कै सुख ता क्षणिक। से राजसिक ऐश्वर्य कौन? जो ऐश्वर्य राजकीय ठाणी गारिमा झलसे, किसी लोक थे देखिए टिके टंका पैसा जदि पाखक आसीगला देखे एमती हे कथबार्ता एमती हाई टोन रे करेंगे जमती टंका बापजा चौदह पुरुष तर कमेक जाने अकबर वंशधर। यही पुरुष वही व्यक्ति को जो राजसिक ऐश्वर्य प्राप्ति हुए से निजे भोग करने आत्मीय स्वजन बांटा को चाहे एवं निज वंशधर सह सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने को चाहे। एभली राजसिक ऐश्वर्य जहाँ पाखक आसे से व्यक्ति मदमत्त हाथी भली निम्न श्रेणीर लोकों ऊपर आधिपत्य विस्तार करने को चेष्टा करे। जो माने समाज निम्न श्रेणी में रहती निम्न वर्ग में रहती ये श्रमिक वर्ग उपरे चढ़ीकि कथबार्ता करती आधिपत्य विस्तार करने को चेष्टा करती, अन्य को दबाई रखा चेष्टा करती, शेष आसे सात्विक ऐश्वर्य। यही सात्विक ऐश्वर्य मुख्य भली दुर्लभ, अर्थात मुख्य जमी दुर्लभ सेमती सात्विक ऐश्वर्य दुर्लभ। यही ऐश्वर्य केवल देवता मानों पाखे ही थाए आ देवता ही भोग करती। सात्विक ऐश्वर्य चिरस्थायी, जदि क्या भाग्य भाग्यदेवी प्रसन्न हो गला सात्विक ऐश्वर्य देदेले तेब से व्यक्ति चीर सुखी हुए। सात्विक ऐश्वर्य जहाँ को प्राप्त हुए अचल संपत्ति जपरिक भूमि भवन वाहन बहुत प्राप्त हो जाए, अक्षय पुण्य प्राप्त हो जाए। बोध हुए शहे कोटी हजार कोटी रे कौन गोटे पुरुष थी जहाँ पाखे ये सात्विक ऐश्वर्य थी। श्री विद्या अंतर्गत साधना यही तीन प्रकार ऐश्वर्य देवरे समर्थ। ऐश्वर्य गुण आधार रे यह तीन प्रकार कहली, एवं शुणु वास्तव में ऐश्वर्य भितर कौन कौन आसे। आठटी जिनस अच्छी जहाँ ऐश्वर्य अंतर्गत ता कौन कौन? प्रथम ऐश्वर्य हूँ धन। धन अर्थात अजस्र टंका पैसा सुना गहना रत्न इत्यादि धन श्रेणी अंतर्गत। साधक जो रत्न गहना चाहिबो ताको प्राप्त होइजिवो। धान्य हूँ द्वितीय ऐश्वर्य। धान्य अर्थात खाद्यपेय खाद्य शस्य, जेते प्रकार खाद्य शस्य भोजन अच्छी साधक चाहिबा मात्रे इच्छा करिबा मात्रे ताको से खाद्य द्रव्य प्राप्त होइजिवो कोठना कोठु आसिकरि ता पाखरे पहुँचिजिवो। ये हूँ द्वितीय ऐश्वर्य। तृतीय ऐश्वर्य हूँ कौन? संतान। संतान कहले सुसंतान को बुझाए, कूलांगार को बुझाए नी। जे पितृभक्त मातृभक्त होगा सह आज्ञा पालन करी ही थव से भली संतान सुख मध्य आत्मतृप्ति प्रदान करी। आज समय लोक संतान जन्म करूँ सत, किंतु संतान ठार जो सुख प्राप्ति हुए ताहा। चतुर्थ ऐश्वर्य हूँ विजयश्री, अर्थात प्रत्येक कार्य प्रत्येक क्षेत्र में विजय मिलवा जयजुक्त होवाटा सुनिश्चित हो जाए से साधक पक्ष में। पंचम ऐश्वर्य प्राप्त हुए कौन? धैर्य, धैर्य ताको कहती, धैर्य नुहे ध्यान देवे ये मुझे धैर्य कहूँ, धैर्य नुहे। धैर्यर अर्थ
ताहा धारण जहाँ करा जाई पारिबो। कौन कौन धारण करा जाई पारे, कौन कौन धारण कले सुख प्राप्ति हुए, उत्साह, सफलता, फोकस, ये सब धारण करिबा जिनिस, किंतु जे पर्यंत साधक से भली स्तर रे पहुँचिनि ताकू ए दुर्लभ गुण जिनिस सब प्राप्त हुए नि। जदियो प्राप्त हुए ग्रह नक्षत्र बेसी दिन पर्यंत ता पाखरे से सब जिनिस को रखै दियंतिनि। षष्ठ ऐश्वर्य होउछि आयुध अर्थात अस्त्रशस्त्र। साधक जेऊ अस्त्रशस्त्र को आवाहन करिवो से तुरंत रक्षा पई आविर्भाव होइ जिवे। सप्तम ऐश्वर्य होउछि राज्य। आजिर समय रे तो राज्य कहिले पावर सत्ता को बुझाए। यही सत्ता फाइनेंशियली पावर हो पारे, पॉलिटिकल पावर भी हो पारे, सोशल पावर हो पारे। अष्टम ऐश्वर्य होउछि वाहन अर्थात गाड़ी मोटर। यही अष्ट ऐश्वर्य केमिति प्राप्त हुए, श्रीविद्या साधना करिबा द्वारा प्राप्त हुए। श्रीविद्यार मुख्य देवी होउछन्ति माता ललिताम्बिका। श्रीविद्यार प्रथम देवी होउछन्ति ललिता। माता ललितांकर वासस्थान होउछि चिंतामणि द्वीप। चिंतामणि द्वीप रे स्थान पाइबा सबुठु दुर्लभ। यही दुर्लभ अवस्था एते दुर्लभ जे मुख्य भी चिंतामणि द्वीप सामने किछि नुह। श्रीविद्या साधनार प्राथमिक साधना श्रीचक्र अर्थात श्रीजंत्र उपरे करा जाए नाही, एटा आपन को बुझिबा को पड़िबो। श्रीजंत्रर मूल बिंदु उपरे जे देवी अधिष्ठिता से होती माता ललिता त्रिपुरा सुंदरी। तांकर सर्वोच्च जो स्तर अच्छी तांकु महालक्ष्मी आख्या दिया जाए अर्थात माता ललिताम्बिका। माघ पूर्णिमा दिन होउची माता त्रिपुरांकर जन्मदिन। यही दिन ही श्रीविद्या साधक मानक सर्वश्रेष्ठ दिन। माघ पूर्णिमार राति जह्नकिरण रु अमृत झरे, एटा को मन रखिए। एणु जदि कौन सी व्यक्ति लगातार अनेक दिन दुसाध्य रोग से पीड़ित हो भल हो माघ पूर्णिमा राति खीरी तैयारी कर छात उपर को नहीं जीवे। धूप दीप लगे चंद्रंकर जेकोसी मंत्र आपड़ जानते 108 थर जप कर सारापर तीन थर ललिता सहस्र नाम पाठ कर खीरी को 9 थर फुंकिबे। आउ से खीरी को रोगी को खाइबा को देबे। जदि खीरी करि न पारंती तेबे ए क्रिया कर्पूर मिश्रित जल उपरे मध्य करा जाय परिबो। किंतु ध्यान देबे कर्पूरर मात्रा पूरा स्लाइड रहिबो, अल्प टिके नाकु रहिबो। जेते दुसाध्य रोग हेउना काहे कि निश्चय भल होइजिबो। एटा प्रामाणिक आउ अनेक थर प्रयोग करा जायथिबा विद्या। केही केही मार्गशीर मासर पूर्णिमा को मध्य माता ललितांकर जन्मदिवस रूपे पालन करंती। तेबे से जहाँ भी हेउना काहे कि वर्तमान जे प्रयोग देली यही प्रयोग केवल माघ कि मार्गशीर पूर्णिमा नुहे, बरम जेकोसी पूर्णिमा राति हो आपण करें। किंतु यही प्रयोग करने समय गोटे कथा ध्यान रखिए जे चंद्र किरणर अमृत तत्व अल्प समय पर झरे। एणु पूर्णिमा रातिर अमृत बेला समय ही हे अमृत वर्षार समय। एणु चेष्टा करेंगे अमृत बेला आरंभ होबारु नेकरि शेष होबा भितर समस्त क्रिया सरिबा दरकार। श्री विद्या को सबुबले गुप्त रखा जाइछि कारण यह अति सहज आ भारी चमत्कारी विद्या। ये सब विद्या लोकों पाख को पहुँची गले लोक अनेक उपकार लाभ करें, जोटा कि आम समाज में थिबा उच्चवर्गीय लोक चाहती। आउ गोटे कथा होउछि कौन श्री विद्या को सबुबले गुप्त रखा जाइछि कारण यह अति सहज आ भारी चमत्कारी। ये सब विद्या लोक जनईदे ज्योतिष तांत्रिक गुणिया मानक धंदा बंद होने कहती। हेले ओडिशा तंत्र ज्ञान चैनल होउछि गोटे मात्र चैनल जो सब ऑथेंटिक विद्या को जनई दिया जाए। गुप्त रखिकी विद्या लुप्त करने अपेक्षा लोकलोचन को आणिकी विद्यार प्रचार प्रसार करी लोकंर उपकार करने हजार गुण से भल। तेबे जिए भी माँ त्रिपुरा सुंदरी पूजा करने को चाहब साधना करने को चाहब तेबे से भैरवी जामल तंत्र अनुसार साधना करपर। यही साधनार प्रारंभिक स्तर केवल दीप लगे मंत्र जपर आरंभ हे। मंत्रटी कौन मंत्री मुझे उच्चारण करें कारण ये आम गुरु परंपरार विद्या। एणु मंत्री डिस्क्रिप्शन में देदेवी बर्तमान स्क्रीन उपरे भी आपण को मंत्रटी दिशुव। तेबे आगुकु श्री विद्या संपर्कित आहुरी अनेक गुड़िए वीडियो बनेबी। श्री विद्यार प्राक्टिकाल केमिति पूजा करा जाए, उपासना करा जाए, मंत्र जप करा जाए, अंगन्यास, करन्यास, हृदयदिन्यास, ऋष्यादिन्यास, वर्णन्यास, अक्षरन्यास, भूमिन्यास सबकिछि सिखेबी। तेणु आपण चैनल टी सब्सक्राइब करके रखिदिंतु। धन्यवाद।